मैं कहूंगा आज पूरे देश ने देखा किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेट्समैन बनके, देश के अभिभावक बनके पूरे देश को संबोधित किया। लोकतंत्र के मंदिर में थे जी, लोकतंत्र के मंदिर की लाज भी रखी, मर्यादा का भी पालन किया। और ये किस्मत है अपनी अपनी, राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी मिट्टी का तेल डाल रहे थे जख्मों पे और मरहम लगाने का काम किया तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बड़ी बात यह थी, उन्होंने कहा जो मणिपुर में हुआ है वो निंदनीय है और मणिपुर के साथ पूरा देश खड़ा है, संसद में हर सांसद खड़ा है जी। और जिन्होंने ये कृत्य किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये आज की बड़ी बात थी। दूसरी बात देखिए, आज एक फर्क भी दिखाई दिया, सत्ता पक्ष नरेंद्र मोदी जी कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस है। हमारे पास चेहरा नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, दूसरी तरफ कंफ्यूजन कौन है चेहरा, घमंडिया का कोई चेहरा ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि ये वो बारात है जहां हर कोई दूल्हा बनना चाहता है। लेकिन देखिए अधीर रंजन चौधरी पर, अधीर रंजन चौधरी को जो सस्पेंशन है, कांग्रेस कह रही है यह अन्याय हुआ है। हाँ मैं बताता हूं, देखिए अब आप थोड़ा समय दीजिएगा। अधीर रंजन चौधरी वो है जो आदतन गलत वक्तव्य देते हैं, राष्ट्रपति को राष्ट्रपतनी बुलाते हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए आज उन्होंने कहा राजा अन्ना है और द्रौपदी का वस्त्र हरण चल रहा था और नीरव मोदी कहीं नहीं गया, नरेंद्र मोदी जी को तुलना कर रहे थे उनसे। और उसके अलावा ये अधीर रंजन चौधरी वो है जो यहां अध्यक्ष का भी सम्मान नहीं करते हैं, तो ना तो राष्ट्रपति के ऑफिस का सम्मान, ना स्पीकर का सम्मान और साथ में प्रधानमंत्री का भी सम्मान नहीं। अगर आप उल्लंघन करेंगे कानून से ऊपर नहीं है, आप कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल उचित निर्णय हुआ है, उनका जवाब आएगा और स्पीकर साहब इस पे फैसला करेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि अगर अमर्यादित बयान देंगे और कानून और रूल्स का पालन नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी। गांधी परिवार का जो जमाना था वो खत्म हो चुका है, ये देश कानून से आगे बढ़ेगा। अब मैं आपकी बात पूरी कर लूं अगर आप मुझे मौका दें। ठीक है ठीक है, चरण सिंह साबरा वांट्स टू रिएक्ट, देन महुआ माझी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम जेएमएम। ओके चरण सिंह साबरा 30 सेकंड। अमित जी इन्होंने जिक्र किया जी, हाँ अमित जी इन्होंने जिक्र किया घमंडिया, घमंडिया कहा है, घमंडिया कौन होता है? घमंडिया वो होता है जो 90 दिन तक मणिपुर के ऊपर बोलता नहीं है और वहां पर दंगे फसाद होने देता है। घमंडिया वो होता है कि जो वीडियो का इंतजार करता है कि नग्न अवस्था में वीडियो आएगी तब मैं 30 सेकंड के लिए बोलूंगा। घमंडिया वो होता है जो किसान आंदोलन 375 दिन चलता है और अपना मुंह नहीं खोलते हैं और कहते हैं कि 700 किसान अगर मर गए तो क्या मेरे लिए मरे हैं। घमंडिया वो होता है जो लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या इनके मंत्री पुत्र करते हैं लेकिन ये उसके ऊपर चू भी नहीं करते। घमंडिया वो होता है जो हाथरस उनाव कठुआ के बलात्कारियों के साथ खड़ा होता है। घमंडिया वो होता है जो हमारी रेसलर बहनें सड़कों पर 3 महीने तक लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि काला टीका उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि ये लोग काला टीका लगाकर आ जाते हैं, जब कोई अच्छा काम होता है तो काला टीका लगाकर आना पड़ता है। और सीक्रेट वरदान की भी बात करी गौरव भाटिया, ये काला टीका की बात आई और सीक्रेट वरदान की बात आई, गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। देखिए घमंडिया वो होता है, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी 4 बजे सुबह गृह मंत्री से बात करते हैं और मणिपुर कैसे खुशहाली के रास्ते में वापस आए वो कार्य करते हैं, दूसरी तरफ घमंडिया वो है नहीं करते। ये देखिए जब मुंबई के आतंकवादी हमले हुए, अमित जी सुबह 5 बजे तक कोई नाच गाना कर रहा था, घमंडिया नरेंद्र मोदी जी ने ली थी। चरण सिंह वहां पर हमारे जवान लड़ रहे थे और नरेंद्र मोदी 100 मीटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप ही ने छेड़ा ना, पीछे वाला हाथ भी आएगा। नहीं नहीं बोखलाने की बात नहीं, आपने मुंबई का हमला याद दिलाया तो मैंने भी याद दिलाया नरेंद्र मोदी उस समय 100 मीटर के अंदर दो वक्ता और है जिनको मुझे चर्चा में लेके आना है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। अच्छा ठीक है, गौरव भाटिया मेरा पॉइंटेड सवाल है आपके पास कि आप विपक्ष को काला टीका क्यों मानते हैं और प्रधानमंत्री ने बोला कि
सीक्रेट वरदान है विपक्ष के पास और कांग्रेस के पास, ये जिसका बुरा चाहते हैं उसका अच्छा ही हो जाता है। देखिए बिल्कुल सही बात नरेंद्र मोदी जी ने कही, क्योंकि जो ईश्वर है, भारत माता भी है, वो भी ऐसी जो लोग होते हैं उनको आशीर्वाद नहीं देती जो भारत माता का बुरा चाहते हैं। केवल नाम इंडिया रख लेने से कोई भारत माता की संतान नहीं हो जाता। अमित जी आप मुझे बताइए, भारत माता की हत्या बोल दिया, इतनी घटिया सोच है, इतनी घटिया राहुल गांधी की। और राहुल गांधी संसद में है, हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, 2018 में हाथ मार रहे थे और कल हवाई चुंबन दे रहे थे। अरे आप बताइए, जनता सोचती है ये कहां से आया है, पनौती है ये, इसे भस्मासुर कहें, काला टीका कहें, पनौती कहें, क्या कहें। और आप देखिए कांग्रेस का हाल, राहुल गांधी ने क्या कर दिया है। कभी बहुत बड़ी पार्टी होती थी, आज भीख का कटोरा लेके सारे क्षेत्रीय दल है उनके पास जाती है, कहती है एक सीट दे दो, दो सीट दे दो, जी, और क्या हैसियत है। पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, दिल्ली में इनका एक विधायक नहीं है। देखिए देखिए अभी अभी ओके ओके महुआ माजी, महुआ माजी देना चाहूंगा, महुआ माजी सवाल कीजिए। महुआ माजी सवाल बहुत सीधा है कि सवाल कीजिए जी, सवाल बहुत सीधा है। प्रधानमंत्री, पहले तो अधीर रंजन चौधरी का सस्पेंशन, दूसरा प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि कांग्रेस एक काला टीके की तरह है, हर शुभ काम में जैसे काला टीका लगता है वैसे लगाना होता है, और साथ ही साथ उन्होंने बोला एक सीक्रेट वरदान है, इन्होंने मेरा बुरा चाहा, मैं देखो आज कहां आ गया। देखिए ऐसा है कि अभी तो 2024 आना बाकी है और इस बीच जनता देख रही है जिस तरह से आप देश को कहां लेके जा रहे हैं। ये जो पोलराइजेशन है, धार्मिक उन्माद है, हिंसा है, दंगे फसाद है, आप मणिपुर की बात कर रहे थे, उसके बाद हरियाणा में क्या हो रहा है, हमारे झारखंड में भी तरह तरह से लोगों में वैमनस्य पैदा किया जा रहा है जहां पर सांप्रदायिक सौहार्द था। आप वोट की राजनीति मत कीजिए, आप विकास की बात कीजिए, आप विकास करें उसका बहुत स्वागत है, लेकिन जिस तरह से आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, आप देखिए हर गांव में, आप सेना में जाने की पहले होड़ मची रहती थी कि गरीब का लड़का कहां जाएगा सेना में नौकरी करेगा, तो उसका जीवन निश्चित हो जाता था कि अपने बुढ़ापे में, बुढ़ापे तक वो अपने परिवार का सहारा भी बनता था। लेकिन 3 या 4 साल के लिए आपने उनकी नौकरी कर दी, 3 साल में वो शादी भी करेगा तो फिर 3-4 साल बाद जब बेरोजगार होगा। मैं बता रही हूँ, देखिए विकास की बात आप कर रहे हैं तो देश के हित में आपको सोचना चाहिए ना। जो सेना, जो सेना का काम है, और मुझे लगता नहीं जो सेना में जाता है उसको नौकरी की तरह देखता है, मुझे लगता है वो सेवा भाव की तरह देखता है, माँ भारती की सेवा के भाव पर देखता है। लेकिन महुआ माजी मेरा एक सिंपल सवाल है, मैं वारिस पठान को ले लेता हूँ 30 सेकंड, फिर मैं आपको बताता हूँ। और वारिस भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था, कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई थी, जेएमएम अविश्वास प्रस्ताव लाई थी और जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां बैठी हुई हैं, तो क्या सुनना नहीं चाहिए था, पूरे टाइम नहीं रुकना चाहिए था? दैट्स माय क्वेश्चन।